हिमाचल प्रदेश में विशेष बच्चों को आगे बढ़ाने और उनकी छिपी प्रतिभा को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंच तक लाने के लिए स्पेशल ओलंपिक भारत की प्रदेश इकाई लगातार प्रयास कर रही है। जहां एक ओर प्रदेश के कई विशेष बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड व सिल्वर सहित इनाम राशि भी जीती है, तो वहीं अब स्पेशल ओलंपिक भारत द्वारा हिमाचल प्रदेश के नारकंडा व मनाली में स्नो इवेंट्स और बिलासपुर में फ्लोरबॉल और हॉकी से संबंधित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। जिसको लेकर बिलासपुर में प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्पेशल ओलंपिक भारत की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मल्लिका नड्डा विशेष रूप से मौजूद रही। बैठक के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं को लेकर चर्चा की गई। मल्लिका नड्डा ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए प्रदेश में आयोजित होने वाले स्नो इवेंट सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं की जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रतियोगिता में विजेता व उप विजेता एथलीट्स का चयन राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पहले भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश व प्रदेश के एथलीट्स द्वारा शानदार प्रदर्शन किया जा चुका है, तो वहीं इस बार भी 20 से 21 फरवरी को स्वीडन में आयोजित वर्ल्ड विंटर गेम्स को लेकर बैठक पर चर्चा की गई, ताकि देश व प्रदेश के बेहतरीन एथलीट्स का चयन किया जा सके, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतकर देश व प्रदेश का नाम रोशन कर सके। जिला बिलासपुर में 6 डेंगू के मामले प्रकाश में आने के उपरांत स्वास्थ्य विभाग ने जिलाधीश राजेश्वर गोयल की अगुवाई में विशेष 6 निरीक्षण टीमों का गठन किया है। इस बारे में जिला बिलासपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रकाश चंद धड़ोच ने जानकारी देते हुए बताया कि बिलासपुर शहर में विशेष निरीक्षण टीमों ने छापामारी के दौरान डेंगू का लार्वा मिलने पर 5 मकान मालिकों को आर्थिक तौर पर एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत 5,000 रुपए का जुर्माना किया है। उन्होंने बताया कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट के अधीन नियमानुसार 500 रुपए से लेकर 5,000 तक आर्थिक रूप से जुर्माना डाला जा सकता है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने ये भी बताया कि जिला बिलासपुर में स्क्रब टाइफस के मरीजों का आंकड़ा 270 तक पहुंच चुका है। डॉक्टर प्रकाश ने ये भी दावा किया कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार डेंगू व स्क्रब टाइफस पर स्वास्थ्य विभाग ने नियंत्रण पाया है, जो कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के कड़े परिश्रम व आम जनता के द्वारा प्रदान किए सहयोग से ही सफल हो पाया है। पिछले वर्ष जिला बिलासपुर में डेंगू से पीड़ित मरीजों का आंकड़ा प्रदेश भर में सर्वाधिक 2000 के पार हुआ था, जबकि चालू वित्त वर्ष में डेंगू के मात्र 6 ही मामले प्रकाश में आए हैं। इसके अलावा जिला बिलासपुर में स्क्रब टाइफस से पीड़ित रोगियों का आंकड़ा 290 तक पहुंचा था, जबकि वर्तमान समय में 270 तक सीमित हो गया है। उन्होंने आम जनता से आग्रह किया कि डेंगू व आर्थिक तौर पर जुर्माने से बचने के प्रति अपने घरों में सफाई स्वच्छता का विशेष ध्यान दें। धर्मशाला के मकलोडगंज स्थित निर्वासित तिब्बत सरकार ने महात्मा गांधी की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ तिब्बत सचिवालय में मनाई। इस मौके पर निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रेसिडेंट डॉक्टर लोबसांग संगाया, मंत्री व सांसद मौजूद रहे। इस दौरान सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया और उसके बाद राष्ट्रगान गाया गया, जिसके पश्चात महात्मा गांधी की तस्वीर पर दीप जलाकर और पुष्प चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। निर्वाचित सरकार के प्रेसिडेंट ने कहा कि महात्मा गांधी की जयंती पर तिब्बत लोग स्वच्छ भारत अभियान में भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि साफ सफाई का खास ध्यान रखें, साथ ही महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं और उनकी अगुवाई में भारत को आजादी मिली है। उन्होंने कहा कि परम श्रद्धे दलाई लामा और तिब्बत लोग अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। उन्होंने महात्मा गांधी का अनुसरण करने की बात भी कही।